दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करें ताकि न्यू वीडियो कोई भी अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। व्हाट्सएप की इम्पोर्टेंट मैसेज के लिए आप लोग देखिए थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल करके व्हाट्सएप पे फिंगरप्रिंट लॉक यूज़ करते हो, लेकिन व्हाट्सएप ने खुद का ही प्लेटफॉर्म पे एक देखिए ऑप्शन इनेबल कर दिया है, फिंगरप्रिंट लॉक ऑप्शन। आप सभी लोग जानते हैं ये ऑप्शन के बारे में, लेकिन एक साथ आप तीन चार फिंगरप्रिंट कैसे यूज़ कर सकते हो वो भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आपका ही नहीं, आपका बहन या तो भाई का भी फिंगरप्रिंट एक साथ आप यूज़ कर सकते हो। तो कैसे ये ऑप्शन इनेबल करना है और कैसे ये देखिए सारा लॉक यूज़ करना है तो आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले आप लोग को करना क्या है, देखिए प्ले स्टोर पर जाना है और प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपको सबसे पहले व्हाट्सएप को लेटेस्ट वर्जन पर अपडेट करना है, क्योंकि अपडेट करने के बाद ही आपको ये ऑप्शन देखने के लिए मिलेगी। और बहुत ही ये लॉक अच्छा है, जबरदस्त दास्ते तो बहुत ही जल्दी ये देखो ऑप्शन इनेबल हो जाता है। तो सबसे पहले देखिए इसको अपडेट कर लो, जब भी अपडेट होता है तो ओपन की ऑप्शन आ जाएगी, ओपन कर लो। ओपन करने के बाद व्हाट्सएप पे देखिए आपको देखिए थ्री डॉट की ऑप्शन मिल जाएगी। सबसे पहले थ्री डॉट के ऑप्शन पे आप लोगों को कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद सेटिंग का जो ऑप्शन आता है उसके ऊपर आप लोगों को कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद आप लोगों को अकाउंट एंड चार्ट की ऑप्शन आता है, तो अकाउंट की जो ऑप्शन है उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी है, तो आपको प्राइवेसी के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे पे जाना है। नीचे पे जाने के बाद आप लोगों को देखना पड़ेगा यहाँ पर फिंगरप्रिंट लॉक तो यहाँ पर डिसेबल है। तो आपको सबसे पहले देखिए अनलॉक विद फिंगरप्रिंट, तो आपको इस ऑप्शन को इनेबल कर देना है। तो चलिए साइड पर इस यहाँ पर राउंड बटन पर क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद देखिए अगर आपके फिंगरप्रिंट सेंसर है तो सबसे पहले फिंगरप्रिंट सेंसर के ऊपर क्लिक कर दो और ये ऑप्शन इनेबल हो जाएगी। तो देखिए सबसे पहले देखिए ऑटोमेटिकली लॉक, तो इमीडिएटली मैंने कर दिया। इमीडिएटली क्या है, साथों साथ ये लॉक देखिए आपके व्हाट्सएप पे लग जाएगी। अगर आप लोग 1 मिनट के बाद ये लॉक इनेबल करते हो तो ये लॉक 1 मिनट के बाद ही आपकी व्हाट्सएप पे लगेगी। तो सबसे पहले देखिए मैंने इमीडिएटली लॉक देखिए व्हाट्सएप ओपन करने के साथ साथ ये लॉक आपके सामने आ जाएगी। ये इमीडिएटली इमीडिएटली भाई करके रखो, क्योंकि आपका इंपॉर्टेंट मैसेज आ सकती है। तो इमीडिएटली करके रखने के बाद देखिए साथ साथ ये लॉक आपके सामने आ जाएगी। अब भाई एक ऑप्शन आ जाते हैं आपके सामने, शो कंटेंट इन नोटिफिकेशन। ये ऑप्शन क्या है, तो देखिए आपकी फ्रेंड की या तो किसी भी के मैसेज आता है तो आपकी होम लिस्ट पे शो करेगी। अगर आप इस ऑप्शन को इनेबल रखना चाहते हो तो इनेबल रख सकते हो। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर प्रूफ दिखाना चाहते हो कि आप लोग एक साथ दो तीन चार फिंगरप्रिंट भी यूज़ कर सकते हो, आप चाहे तो आपका भाई या बहन का भी। तो मैंने देखे सबसे पहले लॉक की जो ऑप्शन के ऊपर क्लिक किया है। क्लिक करने के बाद देखे मेरा जो ये उंगली है सबसे पहले पिच में मैंने डाल दिया है और फिंगरप्रिंट सेंसर के देखे क्लिक करने के साथ साथ देखे ये फिंगरप्रिंट रेडी हो गए। ये एक मैंने देखे लॉक यहाँ पर यूज़ किया है। और देखे फिर आप लोगों को यहाँ पर डिसेबल कर देना है इस ऑप्शन को। डिसेबल करने के बाद देखिए और एक उंगली आप लोग डाल सकते हो। उंगली डालने के बाद देखिए फिर ये आप लोग जब भी फिंगरप्रिंट लॉक सेट करोगी ना तो दूसरी उंगली पर भी आप लोग सेट कर सकते हो, यानी कि एक ही व्हाट्सएप पे आप दो तीन चार फिंगरप्रिंट यूज़ कर सकते हो। बहुत बढ़िया ऑप्शन है। अगर कोई भी इंपॉर्टेंट देखिए कुछ सवाल है तो मुझे कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हो। तो इससे बढ़कर अगर और भी लेटेस्ट वीडियो पाना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आने वाले वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस करके रख दो। तो आज के लिए इतना ही।